पेरे हैप्पी बर्थडे सेम टू यू सेम टू यू। और फिर पार्टी किधर? बोल कौन रहा है? बस क्या बच्ची, मुझे भूल गया तू। रोहन बोल रहा हूँ। रोहन? अरे डिग्री कॉलेज वाला। अच्छा रोहन, याद नहीं याद नहीं, पूरा साल याद नहीं किया, आज भी याद नहीं करता तो चल जाता। बर्थडे दिखा नहीं, आ जाओ जबरदस्ती का दोस्ती निभाने। और किस खुशी में पार्टी दूँ तुझे? उस रात मम्मी पापा के रूम में तूने दूध रखी थी जो तुझे पार्टी दूँ, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे टू यू विटी। हैप्पी बर्थडे नहीं पसंद वो नए कपड़े, मनचाहा गिफ्ट्स फ्रॉम मॉम एंड डैड, शाम को घर पे पड़ोस के बच्चे और दोस्तों के साथ छोटा सा लोकी सा बर्थडे पार्टी, स्वीट एंड सिंपल। इसके अलावा स्कूल में एक दिन का सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता था, वो अलग। विट्टी भाई इधर इधर कर। विट्टी भाई हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विट्टी भाई। सो स्वीट। विट्टी भाई, विट्टी भाई, विट्टी भाई, पार्टी की तरफ फिर आ जाओ शाम को, मम्मी इडली सांभर बना रही है। अरे बिल्कुल भाई, सो डाउन टू अर्थ पर्सन। विट्टी भाई, विट्टी भाई। अरे गंगाधर अंकल, आज कोई भी बच्चा अगर उल्टी किया तो प्लीज आप साफ करने मत आना, मेरा बर्थडे है आज तो मैं खुद ही चाट के साफ कर लूंगा, ठीक है? सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ पर्सन। चलो गाइस मैं चलता हूँ, क्लास का टाइम हो गया। बाय बाय। बाय बेटी बाय। बाय बेटी बाय। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू। क्या चुपके आदमी। हाँ ना, फ्री में बुलाते हैं हमेशा। लाउड का ग्राउंड टू अर्थ पर्सन। इडली सांभर खिलाएगा ऊपर से। भक्जी। बट स्कूल में बर्थडे मनाने से एक छोटी सी धर्म संकट आ पड़ती थी, और वो ये थी कि कोई भी एक दोस्त को चूज करना तुम्हारे साथ क्लास में चॉकलेट्स बांटने में हेल्प करने को। और मेरे उस टाइम पे तीन दोस्त थे। विटी मेरे को ले चलना। नहीं विटी, मुझे मेरे पास ये सचिन का लिमिटेड एडिशन कार्ड एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैं सोच रहा था कि तू चलेगा मेरे साथ। इट्स अ डेट। ध्यान से देख इस चेहरे को, ऐसे दिखते हैं लड़कियों को गोल्ड डिगर बोलने वाले लड़के। देखा, I reject you. Still, बचपन वाला बर्थडे काफी अच्छा हुआ करता था। और एक ये अडल्टहुड वाला बर्थडे, बढ़ता बैक पेन, घटता स्पर्म काउंट, बढ़ते रिंकल्स, घटता लाइफ स्पैन, और ये सब के साथ बढ़ता स्ट्रेस और एंग्जायटी, ये सब चीजों का रियलिटी चेक देने के लिए होता है अडल्टहुड वाला बर्थडे। इसके अलावा बर्थडे के दिन तुम्हारी दुनिया एकदम से डिल्यूजन में चली जाती है यार। वो डिल्यूजन जहाँ पे अचानक से तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे होने लग जाते हैं, जैसे वो लोग जो अचानक से तुम्हारे बर्थडे के दिन प्रकट हो जाते हैं विश करने के लिए। आई मीन थैंक यू सो मच इतना थॉटफुल हो कि मेरे बर्थडे को याद रखने के लिए। बट साल के पूरे 364 दिन की तरह बर्थडे के दिन भी मैसेज नहीं करती है तो चल जाता मुझे। नहीं निभानी मुझे तुम्हारी ये ऑटो पायलट मोड वाली दोस्ती। चलो विश किया तो किया, लेकिन ऑडेसिटी इतना होता है इनका कि पार्टी भी मांग रहे थे। नाउ स्पीकिंग अबाउट पार्टी, सो देखो मुझे पेरेंट्स के पैसों से दोस्तों को बर्थडे पार्टी देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भाया आज तक, एंड हेंस मैंने कभी अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दिया ही नहीं। बॉस मैंने अपने आप को बोल रखा था कि जब मैं खुद के पैसे कमाना शुरू करूंगा तब मैं अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दूंगा। एंड 2022 में जब मैं जॉब पे लगा और कमाना शुरू किया, आई डिसाइडेड टू थ्रो अ स्मॉल बर्थडे पार्टी टू थ्री ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, डबल एक्स, टॉन्टॉन एंड डीपी फॉर माय 22nd बर्थडे। एंड सिंस मेरे मॉम डैड आउट ऑफ स्टेशन थे किसी फैमिली फंक्शन के कारण, मैंने सोचा दोस्तों को घर पे बुला लूं फॉर द पार्टी। ऑफ कोर्स मॉम डैड का परमिशन लिया था मैंने, एंड वैसे भी ये पार्टी बिल्कुल पारिवारिक होने वाली थी अंटिल आई रियलाइज्ड। उन्होंने केक के नाम पे फूकने वाला धनिया लाया था फॉर मी। हाँ वही धनिया जो तुम लोग समझ रहे हो। नहीं मैं नहीं करता ये सब, बट उनको मुझसे ये करवाना था, cause they wanted to see me fly, बट हुआ इसका कंप्लीट उल्टा। हैप्पी बर्थडे विटी।
नीचे हूँ मैं। और तीसरे वाले का तो अलग ही चल रहा था। हैप्पी बर्थडे राघव जुया। अब इमेजिन करो, तुमने फर्स्ट टाइम अपने पैसों से अपने दोस्तों को अपने बर्थडे पे पार्टी देने का प्लान किया और तुम्हारे दोस्त ऐसे बकलोली करके अपने ही मन के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी देख के हंसने लग जाए। एंड एट दैट मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया कि ये मेरे लाइफ का पहला और आखिरी ट्रीट होगा मेरे बर्थडे पे। सॉरी डबल एक्स टॉन्टन एंड डीपी, यू नो आई लव यू गाइस, राइट। खैर ये सब तो यार हंसी मजाक था, अब मैं बताता हूँ व्हाई आई एक्चुअली हेट माय बर्थडे। फर्स्टली तो ये जबरदस्ती का अच्छा बनना अचानक से, वो भी एक दिन के लिए। नहीं मुझे देखने दे, विटी रिमोट दे। नहीं दे ना यार। मेरे प्रिय भ्राताश्री, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट बिग ब्रदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। डन, ये डाल दी मैंने आपके बर्थडे की इंस्टाग्राम स्टोरी। ये रिमोट वाली लड़ाई ठीक एक दिन बाद कंटिन्यू करेंगे। हैप्पी बर्थडे। सेकेंडली ये इंस्टाग्राम स्टोरीज, यू सी बचपन में यू केयर्ड अबाउट योर मॉम डैड विशिंग यू वंस द क्लॉक हिट्स 12 ऑन योर बर्थडे, बट नाउ यू लुक एट इंस्टाग्राम टू सी किसने तुम्हारे बर्थडे की स्टोरी डाली है और किसने नहीं। एंड यहाँ से ही यू स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड ऑन द फर्स्ट मिनट ऑफ योर बर्थडे, एस्पेशली उन लोगों से जो तुम्हारी बर्थडे याद होने के बावजूद भी स्टोरी नहीं डालते, बट सेंसिबल और वाइज इनफ होते कि तुम्हें कॉल करके बहुत प्यार से बर्थडे विश करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम के पहले के जमाने में हुआ करता था। लेकिन फिर भी तुम्हारी डिक्की उदास रहेगी क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बर्थडे की इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं लगाई। फिर तुम प्रण लेते हो, इसने मेरी बर्थडे की इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डाली, अब मैं भी इसके बर्थडे पे इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डालूंगा। I used to be like this, but now I don't care. Deep down I still do. I mean not for the Instagram stories, but यार किसी को तुम्हारा बर्थडे याद ना होना। Of course मॉम डैड को तो याद होता ही है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, बट हमें उनसे ज्यादा तो दोस्तों की विशेष की कदर होती है ना। किस दोस्त ने तुम्हें टॉट 12 बजते ही विश किया उसका स्ट्रेस, और फिर बर्थडे का दिन खत्म होते होते उस एक बंदे या बंदी ने विश नहीं किया इसका पीटी दिमाग में रखते रखते बर्थडे फाइनली खत्म हो जाता है, बट फिर तुम्हें एक ना एक कॉल या मैसेज जरूर आता है हैप्पी बेलेटेड बर्थडे का। साले विश नहीं करता तो जल जाता मुझे, फालतू का बिजी रहने का नाटक मत कर। सुबह ही देख लिया था तूने मेरी बर्थडे रिपोस्ट वाली स्टोरीज। अंदर से आई वांट टू रिप्लाई देम लाइक दैट, बट आई इग्नोर देम, फक यू। एंड यही सब रीजंस की वजह से आई हेट माय बर्थडे। आई नो सारे ही सिली और नॉनसेंसिबल रीजंस है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, बट सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी तुम्हें दिखे जो बोले उन्हें बर्थडे बोरिंग लगती है या पसंद नहीं, ना उन्हें बर्थडे बोरिंग नहीं लोनली लगती है, क्योंकि कोई दोस्त रात के 12 बजते ही उनके घर पे सरप्राइज केक लेकर नहीं आता। एंड दिस इज वाई जो बच्चा बचपन में बर्थडे में किसने गिफ्ट नहीं दिया इसको लेके उदास होता था, वही बच्चा बड़े होने पर किसने बर्थडे पे उसे विश नहीं किया ये सोच के डिप्रेस होता है। Hey guys, नहीं आज मेरा बर्थडे नहीं है। फर्स्टली यार सो सॉरी फॉर द डिले, आई नो थोड़ा सा डिले हो गया इस बार, थोड़ा सा बर्नआउट हो चुका था मैं, बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे अपना फेवरेट पार्ट। ऑल्सो डू लेट मी नो योर बर्थडे स्टोरीज टू इन द कमेंट्स। सेकेंडली लाइक करना याद से। थर्डली शेयर करना अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड के साथ। फोर्थली चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस बार मैं ट्राई करूंगा वीडियो थोड़ा जल्दी लाने का। ऑल्सो सेकेंड पार्ट आने वाला है किसी पुराने वीडियो का, गेस करना कॉमेंट्स में। बाय बाय।